So this is session 3 of environmental engineering, and today we'll be dealing with one of the most important topic in this particular subject, that is the calculations and the determination of the BOD, COD and TOD. So let's first understand what exactly these are and why these are important. First of all, let's understand a term which is known as dissolved oxygen. देखो, water की अगर आप बात करते हो तो you know the formula of water is H2O. water के अंदर hydrogen है और ये oxygen है. ये जो oxygen है, इस oxygen को बोलोगे dissolved oxygen, जो पानी के अंदर dissolved है. इसके बिना पानी पानी नहीं है. डिजॉल्व ऑक्सीजन की एक वैल्यू होती है, दैट वैल्यू शुड बी एटलीस्ट 4.2 मिलीग्राम्स पर लीटर. दिस इज द कंसंट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर. इतनी कम से कम मिलीग्राम एक लीटर में प्रेजेंट होनी चाहिए पानी में फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. देखो, पानी के अंदर ऑक्सीजन का होना जरूरी है. बिना ऑक्सीजन के पानी पानी नहीं है, बट उसकी एक कंटेंट भी है, दैट इज द मिनिमम कंटेंट. कम से कम इतना होना चाहिए. अभी क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट सीवेज के अंदर किस तरीके से पढ़ा जाता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सीवेज का मतलब होता है वेस्ट का मतलब वेस्ट कैन बी ऑर्गेनिक, जो नेचर से बना हो, या फिर जो डिकम्पोज हो सकता है. ऑर्गेनिक मीन्स डिकम्पोजेबल, और इट कैन बी इनऑर्गेनिक विच इज नॉन डिकम्पोजेबल. ठीक, वेस्ट कैन बी ऑफ एनी टाइप्स. नाउ दिस इनऑर्गेनिक वेस्ट, ये तो डिकम्पोज हो नहीं सकता, तो लीव दैट, ये नहीं हो सकता डिकम्पोज. लेट्स कंसिडर द organic waste. Now, the organic waste is the waste which is obtained from the nature or the natural things like vegetable peels, fruits, etc. These type of things, leaves, these type of things which are obtained from the nature which can be decomposed. Abhi decompose kaun karega? Hum to khud kar nahi denge. Decompose ke liye you will be requiring some decomposing agent. The decomposing agent is known as the bacteria. Bacteria करता है इसको decompose. अभी कोई bacteria से काम कराओगे तो वो free में काम नहीं करेगा. Bacteria decompose करने का लेता है rent, या फिर bacteria को चाहिए oxygen. ठीक है, bacteria is of two types basically, aerobic, एनएरोबिक, और एक इन दोनों का मिडल, दिस इज फैकल्टेटिव. एरोबिक मतलब एरो मीन्स एयर. तो एरोबिक बैक्टीरिया मीन्स दिस एरोबिक बैक्टीरिया विल बी रिक्वायरिंग एयर. दिस फैकल्टेटिव बैक्टीरिया को अभी छोड़ दो. दिस एनएरोबिक बैक्टीरिया विल नॉट बी रिक्वायरिंग एयर. इसको एयर के बिना काम करता है, ये एयर के साथ काम करेगा, ये दोनों साइड में काम कर लेगा. एयर मिल जाएगी तो एरिया विल बी रिक्वायरिंग एयर. एनोबिक बैक्टीरिया विल नॉट बी रिक्वायरिंग एयर. एंड फैकल्टेटिव बैक्टीरिया को मिल जाएगी एयर तो ले लेगा, भाई नहीं मिलेगी तो बिना एयर के भी काम कर लेगा. ये अपना बढ़िया आदमी. इसका मतलब बैक्टीरिया आपको क्यों चाहिए था, क्योंकि आपको डिकम्पोज करवाना था. किससे करवाओगे, बैक्टीरिया से कराओगे. बैक्टीरिया तीन टाइप का है, या तो एयर चाहिए या नहीं चाहिए, या मिल जाएगी चल जाएगी, दोनों साइड से काम हो जाएगा. हमें कराना है ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज. हमने कंसीडर कर लिया कि भाई हमें वो वाला बैक्टीरिया चाहिए जो ऑक्सीजन ले रहा है. इसका मतलब बैक्टीरिया ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीजन लेके इसको करेगा डिकम्पोज. डिकम्पोज मतलब इट विल ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इंटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स. So basically, what is happening is that oxygen is present inside the water. Fine.
सीवेज इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ वेस्ट, वेस्ट का टू टाइप होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक. लीव द इनऑर्गेनिक पार्ट, द ऑर्गेनिक पार्ट कैन बी डिकम्पोज, एंड टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक पार्ट यू विल बी रिक्वायरिंग अ डिकम्पोजिंग एजेंट. That decomposing agent is bacteria. Bacteria will require air, will not require, और दोनों का दोस्त चाहिए चाहिए, नहीं चाहिए कोई बात नहीं. हमने मान लिया द बैक्टीरिया इज रिक्वायरिंग एयर, एयर मीन्स ऑक्सीजन, बैक्टीरिया को चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेके करेगा डिकम्पोज किसको, वेस्ट को. ठीक, इतना क्लियर हो गया है. नेक्स्ट, मान लो मैंने, मेरे पास सीवेज है, आई हैव अ सीवेज मीन्स आई हैव सम वेस्ट, I have a waste, मेरे पास कुछ waste है, and I have a water also, I have some water, river है मेरे पास, मैंने उठा के इस waste को इस river के अंदर डाल दिया, ठीक है, waste, waste है organic, मान लो, plus थोड़ा सा inorganic, ठीक है, इसको उठा के पानी के अंदर डाल दिया, पानी में है, दिस इज पानी, वाटर विल हैव ऑक्सीजन, ठीक, दिस वेस्ट विल हैव सम बैक्टीरिया आल्सो, भाई कीड़े मकोड़े तो होते ही हैं, दिस वेस्ट विल हैव बैक्टीरिया आल्सो, फाइन. जैसे ही इसको पानी में डाला, बैक्टीरिया को मिल गया अपना फेवरेट चीज ऑक्सीजन, बैक्टीरिया ने कहा ये बढ़िया काम हुआ मेरे साथ, इसने किया ऑक्सीजन का स्टार्ट कंजम्पशन, इसने ऑक्सीजन ली और उठा के इस वेस्ट को डिकम्पोज करना शुरू कर दिया. बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन ली और इस वेस्ट को डिकम्पोज करना शुरू कर दिया. द ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व्ड इनसाइड द वॉटर इज नोन एज द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड द डिमांड ऑफ दिस ऑक्सीजन विच इज मेड बाय द बैक्टीरिया फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट is known as oxygen demand. Fine. Oxygen demand is what? Oxygen demand is the demand of oxygen by the bacteria for the decomposition of the organic matter. Remember that. Organic matter can only be decomposed. So, अब हम समझ में आ गया है कि कोई oxygen demand कर रहा है. कौन कर रहा है? Bacteria कर रहा है demand. अब बात करते हैं ऑक्सीजन डिमांड की टाइप्स की. भाई बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन डिमांड कर रहा है, क्यों कर रहा है? डिकम्पोज करना है उसे, ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है. दिस डिमांड इज ऑफ थ्री टाइप्स. दिस इज द बीओडी विच इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. दिस इज सीओडी which is the chemical oxygen demand. Next is TOD, which is the theoretical oxygen demand. देखो भाई, TOD is theoretical. Theoretical मतलब bacteria का तो पता नहीं, but ये theory में हम लोग calculate करते हैं खुद ब खुद. अपने आप को bacteria समझ के हम मान लेते हैं कि भाई कितनी oxygen चाहिए, निकाल लो. जैसे for example, let's consider a weight which is having some glucose in that. Glucose. This is C6H12O6. Ye glucose ho gaya. TOD, oxygen demand. Is glucose ko bacteria decompose karna chahata hai, usko chahiye oxygen. Kitni oxygen chahiye? Wo ho gayi uski theoretical oxygen demand. भैया मांग रहा हूं मैं, मुझे इतनी ऑक्सीजन चाहिए, डिमांड कर रहा है वो. थ्योरेटिकली निकाल नहीं तो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड. दिस इज 6O2 व्हिच विल गिव्स अस 6CO2 प्लस 6H2O. दिस 6O2 इज बेसिकली व्हाट? द थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड. इट मींस दैट इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, this one mole of glucose is requiring 6 mole of oxygen. One mole of glucose requires, means the oxygen, theoretical oxygen demand is 6 mole of oxygen. Or you can say that this is 180 grams will require, this is 192 grams of oxygen. 180 grams of glucose will require 192 grams of O2. It means that
If the organic waste contains X gram of glucose, then it will require 192 divided by 180 into X grams of oxygen or milligrams of oxygen. समझ में आ गया? This is the theoretical oxygen demand which we have calculated theoretically. समझ में आ गया है? ये क्या है? Decomposable material. Theoretical भी उसी को कर पाओगे जो decompose होगा. Inorganic नहीं होता है यहाँ पे, तो यही decompose हो सकता है क्योंकि यही oxygen consume करेगा. चलो भैया आज हम next part पे. Next is chemical oxygen demand. Chemical ऑक्सीजन डिमांड, अभी ये नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ केमिकल का है यहां पे लोचा. केमिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसे निकलती है कि आपके पास यू हैव अ सर्टेन वेस्ट, यू हैव अ सर्टेन वाटर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वी हैव. नाउ In this combination, you have added some chemical agent. उस chemical agent ने इसको करा decompose. ध्यान रखना bacteria नहीं कर रहा है यहाँ. Chemical agent ने इसको किया decompose, किसको? Waste को. Decompose करके उसने ये बताया कि the amount of oxygen consumed for the decomposition of the waste. उसने ये प्रोवाइड कर दिया. सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड और द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस वेस्ट बाय द हेल्प ऑफ अ केमिकल इज नोन एज द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. समझ में आ गया? केमिकल के यूज से. अभी यहां पे एक छोटा सा केस में कंफ्यूजन आता है. दैट कंफ्यूजन इज दैट व्हेन यू आर एडिंग केमिकल देन ऑर्गेनिक तो पूरा जाएगा ही जाएगा, उसके साथ में थोड़ा सा इनऑर्गेनिक भी उड़ जाता है. क्यों? क्योंकि आपने केमिकल डाला, आपने कुछ एसिड डाला. जब आपने कोई केमिकल डाला, एक्चुअली में वी यूज H2SO4 इन हियर. जब आपने एसिड डाला है तो ये तो भाई जाएगा ही जाएगा, इसके साथ ये भी चला जाता है. इसका मतलब COD जो होता है ये ऑर्गेनिक तो डिमांड दे ही रहा होता है, प्लस सम एक्स्ट्रा डिमांड और देता है विच इज सम ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल. सो हेयर वी कैन से वन थिंग दैट COD इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन. सो COD विल बी ग्रेटर देन द TOD बिकॉज TOD में सिर्फ थियोरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको पता है भाई कि ऑर्गेनिक के लिए कैलकुलेट कर रहा है, बट COD में दैट इज फॉर बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. फाइन, दिस इज द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. डिमांड क्यों कर रहा है? डिकम्पोज करना है. डिकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. आ जाओ नेक्स्ट पे. नेक्स्ट इज द थर्ड वन इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ऑक्सीजन डिमांड, this is BOD. BOD is the demand of oxygen for the decomposition of organic matter only. Organic matter. It is neither calculated theoretically nor measured chemically. It is based on the actual tests and conditions. Actual test and conditions पे based होता है. तो in that case, when you will calculate the demand of oxygen for the decomposition of organic matter under actual case, then this demand is known as the biochemical oxygen demand, which is basically the demand of the bacteria for the oxygen so that it can decompose the organic matter. समझ में आ गया? This is COD, TOD and BOD theoretically explained. Clear? In the next session, I'll be dealing with the numerical portion of this, which is important for GATE examination. Again, I'm telling you that I'll be starting the full video lessons, that is e-learning course, from next one onwards. There you'll be getting more than 300 videos
जो भी उसे चाहे, जो भी चाहता है, यू कैन ज्वाइन दैट. आई एम डेफिनेटली श्योर दैट यू विल बी बेनिफिटेड फॉर दैट. वी विल बी गिविंग यू द स्मार्ट लेक्चर्स विद नोट्स, पीडीएफ्स एंड द लाइव सेशंस. आई विल बी प्रेजेंट लाइव विद द स्टूडेंट्स हु विल ज्वाइन द कोर्स एंड विल डेफिनेटली बी डीलिंग सम क्वेश्चंस एंड सम क्वेरीज विद देम. सो इट्स एएस पंडित साइनिंग ऑफ अगेन. कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन राइजिंग, बी ग्रीडी for success.